नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा अनंत विजयं राजा अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासा काश्यश्च परमेश्वासा शिखण्डी च महारथ शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजित सात्यकीश्च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खादग्नो पृथक् पृथक् शङ्खादग्नो पृथक् पृथक् तीन श्लोक है एक एक श्लोक बोली अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठर कुंती पुत्रो युधिष्ठर नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको सुघोष मणिपुष्पको काशस्य परमेश्वास काशस्य परमेश्वास शिखण्डी च महारथ शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजित सात्यकीश्च पराजित
द्रुपदो द्रौपदीयाश्च द्रुपदो द्रौपदीयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सर्वश पृथ्वीपते सोमभद्रश्च महाभाव सोमभद्रश्च महाभाव शङ्कानदमु पृथक् पृथक् शङ्कानदमु पृथक् पृथक् अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलस्य देवस्य सुघोषमणि पुष्पको स्मास्तस्य परमेश्वरस्य सुखन्ति च महारथ सात्यकश्च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश प्रतिलीपते सोमवरस्य महाभावो शङ्कानदमुः पृथक्पृथक् अनुवाद एवंता प्रिय किसी भक्तिवान स्वामी श्री रघुवर द्वारा श्री प्रभुपाद की जय हो। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अंत अनंत विजय नामक शंख बजाया। ये श्लोक कौन बोल रहा है? संजय बोल रहा है। किसको बोल रहा है? तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धन काशीराज परम योद्धा शिखंडी दुष्टधुन विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडव के पुत्रों की को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरु वंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उनसे अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पिछले श्लोक में देखा
कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए पितामह भीष्म ने अपना शंख बजाया। और जैसे पितामह भीष्म ने अपना शंख बजाया तो उसके पीछे पीछे अनेक प्रकार के वाजिंत्र बजाने लगे। उनके बाद वाले श्लोक में किसने श्लोक बजाया, शंख बजाया? भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। और भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने तीनों ने शंख बजाया। पिछले श्लोक में हमने देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया था? पांचजन्य शंख बजाया था। ये पिछले शनिवार को हमने श्लोक याद रहना चाहते हो। अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया था? देवदत्त नाम का शंख बजाया था। और भीम ने पौंड्र नाम का शंख बजाया था। महाशंख था वो पौंड्र नाम का। जैसे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने शंख बजाया, तुरंत उनके पीछे क्या किया, दूसरे 15 लोगों ने शंख बजाया। देखो कौरव के सैन्य में पितामह भीष्म ने शंख बजाया, लेकिन जैसे पितामह भीष्म ने शंख बजाया तो पीछे किसी ने शंख बजाने की वर्णन नहीं है यहां। लेकिन यहां भगवान श्री कृष्ण ने पांडव की सेना पहला शंख किसका बजाया? भगवान श्री कृष्ण का। जैसे भगवान श्री कृष्ण शंख बजाया तो तुरंत पीछे अर्जुन, भीम और नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब ने शंख बजाया, है ना। तो यहां कहते हैं कि सभी लोगों ने उत्साह के साथ शंख बजाया। उसका कारण क्या था? क्योंकि पहला शंख किसने बजाया? लीडर ही स्ट्रांग है, लीडर ही स्ट्रांग है। इतना कि लीडर को देख के ही सब लोग प्रसन्न हो गए कि लीडर ही पावरफुल है तो हमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है हमारा। और पितामह भीष्म ने, जो देखो भगवान ने हर्षपूर्वक शंख बजाया था अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, अर्जुन को, युधिष्ठिर आदि पांडव को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया। तो भगवान का शंख विजय का सूचक करता है। लेकिन भीष्म ने भी शंख बजाया, लेकिन भीष्म के पीछे शंख किसी ने बजाया ऐसा वर्णन नहीं। और भीष्म ने भी क्यों बजाया? दुर्योधन को खुश करने के लिए, कि इनका विचार तो गलत है ही, है ना। गलत विचार है तो चलो कोई बात नहीं, वो ऊपर से खुश हो जाए, इसे पितामह भीष्म ने शंख बजा लिया, है ना। देखो गाड़ी तभी चलती है जब इंजन चलता है। तो इंजन कौन है? भगवान श्री कृष्ण इंजन है। जैसे भगवान ने शंख बजाया, समस्त भक्तों ने उत्साह के साथ शंख बजाया। इसे यहां कहना चाह रहे हैं कि हमको ऐसे व्यक्ति के पीछे चलना चाहिए जो उत्साहित हो, है ना। कोई भी हम कोई भी फील्ड में हो, अधर्म की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म की बात कर रहा हूं। तो कोई ऐसे व्यक्ति के पीछे चलना चाहिए जो व्यक्ति धर्म के लिए उत्साहित हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया तो समस्त लोगों ने, 15 लोगों ने शंख बजाया। पहले कितने? 3 लोगों ने शंख बजाया, कृष्णा, अर्जुन और भीम। उसके पीछे कितने लोगों ने शंख बजाया? 15 लोग। कितने हो गए? 18। देखो 18 अंक कितना पावरफुल है। एक तो 18 लोगों ने शंख बजाया, ठीक है। महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है। महाभारत कितने दिन युद्ध चला? 18। महाभारत में कितनी अक्षौहिणी सेना थी? 18। श्रीमद भगवद गीता में कितने अध्याय है? 18। श्रीमद भागवत में कितने श्लोक है? 18। देखिए 18 अंक। रंग जब हम किसी को कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो क्या बुलाते हैं उसको? वो भी मिलता है।
तो 18 जो अंक है एकदम परफेक्ट है। तो यह 18 लोगों ने शंख बजाया और कौरव की सेना में कितने लोगों ने शंख बजाया? एक व्यक्ति ने, क्योंकि लीडर ही ठीक नहीं था, है ना। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए पितामह भीष्म ने शंख बजाया, क्यों? क्योंकि कब से परेशान कर रहा है ना, किसको? गुरु को। और हो सकते मेरे पास भी आए, इससे बेटर है कि उनको प्रसन्न करने के लिए शंख बजा देता हूं। उसको लगे नहीं पितामह भीष्म मेरे साथ है। लेकिन पितामह भीष्म ने जैसे शंख बजाया तो वहां कहते हैं कि भले शंख मैंने बजाया हो और इस शंख से दुर्योधन हर्षित हुआ हो, पितामह भीष्म का भाव है कि झष्टु पांडु पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। लेकिन विजय तो उस पक्ष की होगी जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पहला शंख किसने बजाया इस श्लोक में? अनंत विजयो, अनंत विजय नाम का युधिष्ठिर ने शंख बजाया। किसका पुत्र था? कुंती पुत्र। कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने इस शंख बजाया। देखो युधिष्ठिर महाराज इतने प्रेमी भक्त थे कि एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण संधिदूत बन के जा रहे थे हस्तिनापुर। तो युधिष्ठिर तब हस्तिनापुर कुंती महाराज हस्तिनापुर थे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु आप जा रहे हो हस्तिनापुर तो आप मेरी माँ का खबर अंत पूछना। मेरी माँ जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी माँ ने बहुत दुख सहे, बहुत दुख सहे, दुख सहते सहते भी धर्म का पालन किया है, दुख सहते सहते भी उसने कभी भी साधु संतों को अप्रसन्न नहीं किया, साधु संतों की सेवा की और हमको बुरा किया, तो मेरी माँ को हमारा प्रणाम करना। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आगे का समय ऐसा आए कि हमारी माँ हमारे कारण सुखी हो। देखो ऐसा युधिष्ठिर महाराज कहते अपने भाव से। देखिए अगर हम तत्व से देखें ना तो कुंती महारानी दुखी नहीं थी। अगर कुंती महारानी दुखी होती ना तो कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में जब भगवान की प्रार्थना करते कुंती स्तुति में तो कुंती महारानी दुख नहीं मांगती। क्या मांग रही हो? कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण जा रहे द्वारका तो कुंती महारानी भगवान से क्या मांग रही है? दुख मांग रही है, प्रभु हमको दुख दीजिए। तो मान लीजिए भगवान ने कहा बुआ पागल तो नहीं हो गई ना आप, जयपुर वाले तो कभी दुख नहीं मांगते, घंटी बजाते और मांगते के गाड़ी दे ही, पुत्र दे ही, पत्नी दे ही, घर दे ही, है ना, बैंक बैलेंस दे ही, वो तो कभी दुख मांगते नहीं है। तुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो गई ना, है ना, तू दुख क्यों मांग रही है? तो कुंती महारानी कहते हैं प्रभु जब हमारे पास सुख आता है ना तो क्या होता है? आपका विस्मरण हो जाता है ना, संसार ऐसे होता है, हम मंदिर जाते सुख के लिए, भगवान की कृपा से सुख मिल जाता है ना तो भगवान को भूल जाते होता है ऐसा। तो एक संत कहते हैं कि सुख के माथे शूल पड़े जामे हरि भुला, है ना, उस सुख के माथे क्या पड़े? शूल पड़े, शूल मतलब समझे काटा। सुख के माटे माथे शूल पड़े जामे हरि भुला, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटा। वो संत कहते हैं कि सुख आता है ना उस सुख पे शूल पड़े जो हरि को भुला देता है, उस सुख का क्या काम है? लेकिन बलिहारी वा दुख की जो पल पल भगवान का नाम रटा है, यही कुंती महाराज कि प्रभु सुख नहीं चाहे दुख दीजिए, क्योंकि जब दुख पड़ता है ना तो प्रभु किसकी याद आती है? आपकी याद आती है। जब द्रौपदी ने, द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने आपको पुकारा था और प्रभु आपने उनकी रक्षा किया। लाक्षाग्रह में जब दुर्योधन और धृतराष्ट्र के द्वारा हमको जब जला दिया जा रहा था तो हमने आपको याद किया था, आपने हमारी रक्षा किया। विशील लड्डू खिलाकर भीम मेरे पुत्र को मारने की कोशिश किया था लेकिन प्रभु आपने उसको, और महायुद्ध भूमि में जो समुद्र की समान सेना थी उस सेना में हमारे जो पुत्र थे ना एकदम तुच्छ थे लेकिन प्रभु आपने उनको पुष्प उन्हें खरोच पर नियान दिया। क्यों? क्योंकि आपको याद करते थे। कुंती महारानी कहती है
विपदन संतु शश्वत तत्र जगत गुरु, तो मुझे दुख दो। और हम हमारे ऊपर जब दुख आता है ना तो हम भगवान को ही कोसते हैं। अरे दुख आता है और दुख में अगर भगवान का मुख से नाम आता है ना, समझो भगवान की कृपा है आप पर। दुख आता है और भगवान का नाम आता है कि नहीं प्रभु है ना रक्षा कर मेरे, भगवान का नाम लेते हैं ना भगवान। इसलिए तो कहते हैं ना कि दुख आए सुख आए कुछ भी हो आपकी स्थिति, आप किसको याद करो, श्लोक है श्रीमद भगवद गीता का कि ज्ञानी या हो, ज्ञानी हो या फिर आर्थ जिज्ञासु अर्थात चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतन अर्जुन आर्थी अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञान सर्वतुष्ट। कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो भी मेरे पास आओ, किसी को पैसे चाहिए तो भी मेरे पास आओ, कोई ज्ञान की इच्छुक है मेरे पास आओ, सभी तरह से भगवान क्या कहते हैं मेरे पास आओ। क्योंकि आप किसी और के पास जाओगे, मान लीजिए आपको दे भी देगा लेकिन वो जो भी आपको देगा वो नश्वर होगा, वो आपको दुख का कारण बनेगा। लेकिन मैं पूर्ण हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं पूर्ण हूं और मैं जो भी चीज देता हूं क्या होती है पूर्ण होती है ना, वो टेम्पररी नहीं होती, वो शाश्वत होती है। इसे भगवान कहते मेरे पास आए। होता है संसार में कौन व्यक्ति दुखी नहीं है, नहीं चाहते कभी अचानक ऐसा दुख हमारे सामने प्रकट हो जाता है ना, माला तो चलती है लेकिन जैसे अचानक दुख आ जाता है तो तुरंत माला छूट जाती है और माथा पकड़ के बैठ जाता है, अरे बाप रे क्या रोने लगते भगवान को छोड़ दो। कब तक एक दुख निवारण होगा दूसरा आएगा, क्योंकि जगत ही मिथ्या है, दुख देने के लिए बनाए दुर्ग है। इसको क्या बोला गया है, जगत को दुर्ग बोला गया है, मतलब जेल है ये, और जेल में कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता है, जेल दुख के अलावा कुछ नहीं है ना। एक जाएगा दूसरा आएगा ना, भगवान का शीतोष्ण सुख दुखदा, दुख आता है चला जाता है सुख आता है, वापस सुख चला जाता है दुख आता है चलता रहता है। इसमें विचलित होने की जरूरत नहीं है, सभी स्थिति में क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लोग मूर्ख व्यक्ति कहते हैं कि देखो आप कृष्ण की भक्ति करने को कहते हो, कृष्ण की भक्ति किया मीरा ने, कृष्ण की भक्ति किया नरसिंह मेहता ने, कृष्ण की भक्ति किया पांडवों ने, क्या मिला है दुख के अलावा क्या मिला है, मूर्ख मूर्ख व्यक्ति की वाणी है ये। अरे भाई मीरा को पूछो, नरसिंह मेहता को पूछो, पांडव को पूछो, स्वप्न भी दुख था, क्यों उनके साथ पांडवों को भगवान ने एग्जाम्पल दिया है, पांडवों को साथ में रखकर भगवान ने एग्जाम्पल दिया है ना हम सबको कि मेरे भक्तों पर भगवान ने क्या बनाया है, माध्यम बनाया है पांडव को, पांडव को इतना दुख दिया है, आप देखिए कितना दुख हमको लगता है ना, लेकिन भगवान हर दुख में साथ में रहे, चाहे दुर्वासा मुनि आए, दुर्वासा श्राप दे सकते थे उनको, पांचों पांच भाई को जला के भस्म कर सकते दुर्वासा, लेकिन वहां भगवान ने तुरंत आगे भगवान है ना, तुरंत द्रौपदी ने पुकारा भगवान वहां हाजिर हो गए, कहां नहीं आए मुझे बताइए, सभी जगह भगवान आए, रक्षा की है भगवान, ये तो है। बस ये हमको याद रखना है, भगवान को भूलना है। युधिष्ठिर महाराज अपने दैन्यतावश कहते कि मेरी जो माँ है ना मेरी माँ को दुख पड़ा, लेकिन तत्व से ज्यादा दुख नहीं है ये ना, दुख तो तब है। कल मैंने आपको बोला होगा, नहीं बोला था कल में, उस लोग बोलने वाला था लेकिन कल नहीं बोला, सुन लिए ध्यान से, विपत्तो नैव विपत्ता संपत्तो नैव संपत्ता, विपत्ति वो विपत्ति नहीं है, संपत्ति वो संपत्ति नहीं है। आप जिसको विपत्ति मानते हो विपत्ति नहीं है, और संपत्ति मानते हो सुख मानते हो सुख भी नहीं है, तो क्या है सुख दुख, तो कहते हैं ना विपतो नारायण, मतलब विस्मरण विष्णु, विपतो विस्मरण विष्णु, जब आपको विस्मरण हो जाता है किसका, भगवान, जब भगवान आपके मन से चला जाता है वो सबसे बड़ी विपत्ति है आपकी याद रखना। और संपत्ति क्या है आपकी, संपतो नारायण स्मृति, वही संपत्ति आपकी है जब आपको नारायण का
शास्त्र में होता है। इसलिए भगवान का निरंतर भगवान को याद रखो, रक्षा करेंगे। एन कैन प्रकार है, थोड़ा लेट है ना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है, लेकिन उनको सब मालूम है। बोलने में तो हम कोपट की तरह पटु है, जब करना आता है ना तो किसको मालूम नहीं। बोलिए, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ से कि आपको मालूम नहीं है, सब सुना है आपने, बड़ी बड़ी कथा सुन ली हमने ना, लेकिन हमारे अंदर उतरता नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्तों की ना नित्य सत्संग नहीं है, भक्तों की कृपा नहीं है। इसे क्या करना चाहिए? नित्यम सत्संग करना चाहिए। हम सोचते हैं कि प्रभु बुधवार तो आए थे, क्या बारम्बार बुलाते हो आप, ऐसा हमको कभी आता है मन में? दुर्भाग्य, ऐसा मन में नहीं आना चाहिए। अरे बुधवार आए तो तुरंत विचार आना चाहिए, शनिवार कब आए, तुरंत शुक्रवार कब आए, है ना। ये भगवान की कृपा है। क्या करोगे घर में रहकर? आप पूरा दिन आप काम कर तो घर में रहकर 8 बजे के बाद करोगे क्या? टीवी देखोगे, है ना, या बच्चे आएंगे, पत्नी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे, वो बोलते हैं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही है सबको, प्रॉब्लम ही देंगे आप, दूसरा कुछ नहीं देंगे। बेटर है, देखिए हमारा उम्र जा रहा है ना, कोई 5, 15, 20, 25, 50 के, कोई 55, 60 के हो गए, पता नहीं कब मौत आ जाएगी। इसलिए आपको एक ही बात बता दिया, यहाँ है ना, यहाँ हम आते एक फैमिली की तरह है। यहाँ उत्सव मनाएंगे, मान लीजिए जन्माष्टमी है, बलराम जयंती है, कुछ भी हो गया, हम सबको मिलके करना है। ये मेरा नहीं है कि विजय प्रभु या जेपी अग्रवाल जी, हनु माता जी, ये हमारे भक्त बेटे, उनका प्रोग्राम है, वो सब अरेंजमेंट करे, हमको तो वहां जाके बस खाना पीना मौज करना है। नहीं, ये हम हमारा है, ये भगवान का है, ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम सब कर रहे हैं। मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ कथा, वो बहुत बड़ा वक्ता नहीं हो गया हूं मैं, बड़ा मैं सेवा कर रहा हूँ भगवान की। मैं मुंह से बोल कर भगवान के गुणगान गाकर आपको सुना रहा हूँ, सेवा है। और आप कौन सी सेवा कर रहे हो? तुलसीदास जी आशीर्वाद देते हुए कौन से आशीर्वाद देते हैं? श्रोताओं को आशीर्वाद देते ज्यादातर, भक्ता को नहीं देते। क्यों? तो कहते तू भाई यहां पढ़ा दे, श्रोताओं को आशीर्वाद देते। श्रवण बहुत मुख्य, इसे जो भी हम कार्य करते मिलकर ठाकुर जी के लिए करना चाहिए। इसे जब भी कुछ हम भगवान के लिए करते आना चाहिए उत्साह से, है ना, सभी तरह तन मन धन से सेवा करने चाहिए। धन नहीं तो मन तो है ना, मन में गंजुसाई क्यों करते हो? तन से शरीर से भगवान की सेवा करो। और धन है, ठाकुर जी ने दिया है तो दो धन, है ना, वरना तो पड़ा रहेगा यहाँ, और बच्चे उड़ाएंगे तो कर्म बंधन हमको लगेगा। सही बात है ना, तो नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचो। जो भी शक्ति है वो ठाकुर जी में लगाओ, शरीर पता नहीं कब चला जाएगा, उससे पहले ठाकुर जी की सेवा में लगाओ। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि नारद जी को, सातवें स्कंद में नारद जी को युधिष्ठिर महाराज कहते कि हे नारद जी, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद महाराज की कथा कहते, तो कहते कहते अचानक युधिष्ठिर महाराज नारद जी को प्रश्न करते कि हे नारद जी, एकदम मुंह छोटा हो गया और प्रश्न करते कि हे नारद जी, प्रहलाद कितना भाग्यशाली बच्चा है, कितना भाग्यशाली भक्त है कि भगवान उनके लिए बारंबार उनकी रक्षा किया, खंभे फाड़ कर उनके पास आए, है ना। सबसे बड़ा मेरी दृष्टि में प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त है, हम तो उसके सामने कुछ नहीं है। क्या बोला? हम उसके सामने कुछ नहीं है। जैसे ऐसा बोला ना, तो नारद जी हंसने लगे उसके सामने, युधिष्ठिर रोने जैसे हो गए कि देखो देखो ऐसा भाव होना चाहिए, अरे वो भक्त कितना सुंदर भक्ति कर रहा है और मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, वो कितना कमा रहा है मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं, वो मत सोचो। सोचना क्या है, वो कितना सुंदर भजन कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, मेरा दुर्भाग्य, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। इस पे हमको क्या करना है? पछतावा होना चाहिए। पैसे पे, उसके बाद गाड़ी है, बंगला है, उस पर पछतावा नहीं होना चाहिए। तो युधिष्ठिर मां को पछतावा हुआ कि देखो प्रहलाद कितने सुंदर भक्त है और मैं कुछ भक्ति कर ही नहीं रहा हूं भगवान की। तो नारद जी उसके सामने हंसने लगे, और हंसते हुए नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर सुन, युधिष्ठिर तू खुद को कोस रहा है ना, लेकिन तेरे जैसा कोई भाग्यशाली मैंने नहीं देखा। कैसे? तो नारद जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 10वां अध्याय श्लोक क्रमांक 48 में कहते हैं,
यूयं नुलोके बत भूरि भागा लोकं पुनाना मुनियो भियन्ति येषां गृहाणां वसतीति साक्षा गूढं परब्रह्ममनुष्यलिंगम्। युधिष्ठिर महर्षि को नारद जी कहते हैं कि यूयं नुलोके बत भूरि भागा, तेरे जैसा भाग्यवान व्यक्ति को है नहीं युधिष्ठिर। क्यों? तो कहते हैं कि लोकं पुनाना मुनियो भियन्ति, तू कहता है ना, पूरी दुनिया कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज पे सभी संतों का सभी ब्राह्मण का आशीर्वाद है। क्यों? क्योंकि तेरे राज्य में बारंबार ऋषि मुनि ब्राह्मण आते रहते हैं। तो तू क्या समझता है कि तेरे कारण ऋषि मुनि आते हैं, साधु संत आते? कहते नहीं। क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि येषां गृहाणां वसतीति साक्षात, तेरे गृह में कौन बसता है? साक्षात भगवान रहते हैं, तेरे महल में भगवान विचरण करते हैं, है ना, इसलिए सब ऋषि मुनि आते हैं। और कहते हैं गुढ़ परब्रह्म मनुष्य लिंगम, ये गुढ़ है मतलब भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, शिव ब्रह्मा भी विरंची भी उसको समझ नहीं सकते हैं, ऐसे गुढ़ भगवान परब्रह्म तेरे घर में एक सामान्य मनुष्य बन के विचरण कर रहे हैं। सोचिए, भगवान तो प्रहलाद की स्तुति सुनकर प्रार्थना सुनकर खंभे से प्रकट हो गए, प्रहलाद को आशीर्वाद दिया है ना, और तुरंत वहां से निकल गए भगवान। लेकिन तू देख, तेरा भाग्य तो देख, कितने समय से प्रभु तेरे गिरत गिरत घूम रहे, तेरे नौकर बन गए है ना, तेरे भाई के ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए। एक नारद जी कहते युधिष्ठिर महाराज कितना भाग्यशाली है, तो ये भाग्यशाली है। युधिष्ठिर महाराज के पास क्या नहीं था? ऐसा राज्य था युधिष्ठिर महाराज के पास कि वो चाहती इतनी बारिश होती है ना, गाय दूध देती रहती थी, कभी कोई नाखुश नहीं था, सुंदर राज्य कर रहे थे, इतनी संपत्ति थी, उनकी संपत्ति थी, राज्य देकर इंद्र भी प्रणाम करते, क्यों? क्योंकि उनके साथ भगवान थे, इतने गुणवान थे युधिष्ठिर महाराज। और गुण क्यों आए ये सब? युधिष्ठिर महाराज गुणवान थे, उनको गुणों को देखकर साधु संत ब्राह्मण आते रहते थे, सब उनको आशीर्वाद देते, बच्चा बच्चा भी युधिष्ठिर महाराज को दिल में रखते थे। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज दिल में किसको रखते थे? भगवान को। इसे गुण, वो गुण सबसे बड़ा गुण क्या है? भगवान का भजन करना है ना, भगवान के विषय में अगर आप श्रवण करोगे, अगर वो गुण आ गया आप में, तो दूसरे जो गुण है ना, दूसरे जो गुण है वो आपके दरवाजे खटखटाएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं, आपके दरवाजे। एक गुण आना चाहिए क्या? भगवान के विषय में सुनना है, भगवान की सेवा करना है, भक्तों के बीच में रहकर भगवान का उत्सव मनाना है, बस भगवान के हो जाए ना, अपने सब समस्त गुण आपके दरवाजे खटखटाएंगे। युधिष्ठिर महाराज के ये शास्त्र भक्ति भगवत अकिंचन सर्वे गुणा तत्व समाप्त, ये शास्त्र भक्ति भगवत अकिंचन, भगवान का नाम अकिंचन है भगवान, है ना, अगर कोई व्यक्ति उनकी भक्ति करता है सर्वे गुणा तत्र समा सते सुरा, उसमें समस्त गुण आ जाए, धीरे धीरे बस वेट करो भगवान का भजन। देखो बोलने के लिए युधिष्ठिर महाराज बहुत है ना, तो खाली एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत ध्यान से जो है सुनते हो ना, उसको जीवन में उतारना चाहिए प्रेम से, कि प्रभु जी ने आज क्या बोला उसका चिंतन करो मन से, और आज जो प्रभु जी ने बोला शास्त्र की बात में मेरे जीवन में उतारूंगा, इसी तरह में जीवन एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। सुंदर ये हमारे भक्तों का चरित्र है ना, उसको सुनना, युधिष्ठिर महाराज सब इतने सुंदर भक्त थे ना, इसके चरित्र के द्वारा हमको जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज कुंती पुत्र युधिष्ठिर, ठीक है। दूसरा क्या है? नकुल सहदेव, नकुल ने शंख बजाया, कितने शंख बजाया? नकुल ने, नकुल ने शंख बजाया, तो उसका नाम क्या था? सुघोष, सु मतलब सुंदर और घोष मतलब आवाज, सुंदर आवाज के साथ सहदेव नकुल ने शंख बजाया। देखो नकुल जब विराट की सभा में गए ना, तो विराट की सभा में नकुल ने किसकी सेवा लिया था?
उसका नाम ग्रंथिक था, गोयल गाय का रक्षक, नहीं अशोकपाल था वो, अशोकपाल अशोकपाल था। और वैसे ही नकुल जो था ना, पांच भाइयों में थे सबसे सुंदर कोई व्यक्ति था तो नकुल था, सबसे सुंदरता में नकुल था, ठीक है, नकुल सबसे सुंदर था, पांच भाइयों में नकुल तो नकुल ने शम। फिर आया सहदेव मणि पुष्पक, सहदेव ने मणि पुष्पक नाम का शंख बजाया। देखो सहदेव जो था नकुल जैसे, देखो युधिष्ठिर धर्मज्ञ थे, धर्म में किसका नाम आता है, युधिष्ठिर, अर्जुन धनुर्धारी, भीम गदाधारी, सहदेव सुंदर था वो, मतलब वो क्या चलाते थे धनुष में अस्पष्ट हुई, और सहदेव जो था नकुल सुंदर बहुत था, सुंदरता में बेजोड़ सुंदरता थी, और जो सहदेव था ना उसमें ज्ञान बेजोड़ था, बहुत ज्ञानी था, इसलिए सहदेव को सभी लोग क्या बोलते थे, पंडित बोलते थे, क्या बोलते सहदेव को पंडित। देखो पंडित किसको कहते हैं, पंडित तो कहते हैं जो पंडित आए, है ना, दो तीन श्लोक अच्छा बोल जाए बोले देखो पंडित आए, है ना, हमारा ऐसा नहीं, पंडित किसको बोलते हैं, वो पंडित की संज्ञा देते हुए चाणक्य पंडित कहते हैं कि मातृवत सर्व द्वारेषु, अपनी पत्नी को छोड़कर सभी स्त्रियों को माता माने, इसको क्या बोलते हैं, लुष्टवत सर्व सॉरी पर द्रवेशु लुष्टवत, मतलब दूसरों की संपत्ति को क्या माने, दूसरों की संपत्ति पर दृष्टि नहीं डालना चाहिए, और आत्मवत सर्व भूतेषु, ये समस्त जीवों को क्या माने, ये भगवान का अंश है, स पश्यति स पंडिता, अगर इस तरह से कोई व्यक्ति देखते उसको पंडित बोलते हैं। सहदेव जब भगवान राजसूय यज्ञ में जब घोषणा हुई कि राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए, सर्वप्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए, तो कहा कि भीष्म वेदव्यास जी और शिव जी भी वहां बैठे थे, उसकी प्रथम पूजा होनी चाहिए, तीनों में से कोई भी की पूजा कर लो, शिव जी ने मना किया, वेदव्यास जी ने मना किया, भीष्म की बात है तो भीष्म तुरंत बोला कि सबसे पूज्य सेवा करनी चाहिए तो किसकी, कृष्ण की करो, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का नाम है, बहुत बड़ी कथा है, सिद्धांत दिया चाहता हूँ, सीधा शॉर्ट में कह देता हूँ, वो कथा अगर आएगी तो भीष्म स्तुति में जब करने वाला हूँ, तीन दिन कथा है तो वो आएगी कथा, तो पितामह भीष्म ने कहा कि नहीं मेरी पूजा नहीं होगी, अगर कोई पूजनी है तो कृष्ण है, तो जैसे कृष्ण का नाम आया ना तो कौन खड़ा हुआ, शिशुपाल खड़ा हुआ, अभी शिशुपाल की कमी नहीं है, तब एक शिशुपाल था, अभी घर में शिशुपाल पड़े, तब एक व्यक्ति था जो भगवान का विरोध कर रहा था, अभी अनेक लोग हैं जो भगवान का विरोध कर रहा था, जब उसने विरोध किया ना तो सहदेव खड़ा हुआ और सहदेव ने बोला क्या, शिशुपाल बोला के लायक नहीं है भगवान के सामने, तब सहदेव खड़ा हुआ और सहदेव ने बोला के जो व्यक्ति भगवान की पूजा करने के लिए मना करते हैं ना उसका मुंह और मेरा पैर, सहदेव बोला, गुस्से हो गया सहदेव, पूजनी हो तो कृष्ण है, गुस्से हो गया सहदेव, तो सहदेव तब भगवान, मतलब उसने दिखाया तो भगवान प्रत्ये का प्रेम दिखाया था, तो फिर सहदेव ने शंख बजाया, फिर काशीराज ने शंख बजाया, काशीराज ने जो शंख बजाया वो इतना शरीर था उनका, बहुत मोटा शरीर था काशीराज का, धनुष भी बहुत बड़ा रखते थे, और युद्ध में अर्जुन के बाद कोई धनुष भारी रखने वाला व्यक्ति हो तो काशीराज था, इतना समझना, काशीराज जो था वो अर्जुन की पक्ष में था। फिर कौन था, शिखंडी, हमको लगता है शिखंडी कौन था, शरीर कैसा था, स्त्री और पुरुष का मिक्स शरीर, लेकिन महाभारत कहता है शिखंडी महारथी था, महारथी शिखंडी था, और शिखंडी 10,000 योद्धा को एक साथ मार सकता था, इतना शक्ति था रहता हो, शिखंडी की कथा आप जानते हो कि काशीराज की पुत्री जिसका नाम था अंबा, अंबालिका और अंबिका तीन पुत्री थी, पितामह भीष्म विचित्र वीर्य के लिए उनको अपहरण करके लाए थे, लेकिन अंबा का जो अंबा थी उसका जो मन था वो शालवन रश में था,
भीष्म ने छोड़ दिया। वहां गई शार्दूल नरेश ने बोला कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भीष्म तुझे ले गए थे, मुझे नहीं चाहिए। तो दोनों तरफ से रहेगी, तो क्या करो? भीष्म के पास आए अम्बा, भीष्म को बोला कि मेरे साथ शादी कीजिए, और जो भी कथा है। भीष्म बोला नहीं नहीं मैं शादी नहीं करूंगा। तो तुरंत अम्बा को गुस्सा आ गया, अब मुझे कोई अति अपना रहा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं भीष्म को। शिव जी का भजन किया, शिव जी को प्रकट किया, बोला कि भीष्म को मैं मार सकूं, ऐसा मुझे वर दो, उसको कोई नहीं मार सकता। तो बोला कोई बात नहीं, भीष्म का मरने का कारण बनू, ऐसा मुझे। दूसरे जन्म में वो द्रुपद के घर शिखंडी प्रकट हुआ, ठीक है। और बहुत बड़ी लंबी कथा है, और शिखंडी में बहुत शक्ति भी थी। और जब शिखंडी आया था पितामह भीष्म के सामने, पितामह भीष्म को पता है कि मैं कभी स्त्री के सामने युद्ध नहीं करता हूँ, और जब शिखंडी को सामने लाया तब पितामह भीष्म ने अपने शस्त्र छोड़ दिए थे और अर्जुन उसको छल्ले कर दिया। तो शिखंडी, यहाँ शिखंडी का वर्णन हुआ है। और फिर है दुष्टद्युम्न। दुष्टद्युम्न था वो किससे प्रकट हुआ था, हमने कथा किया था, यज्ञ से प्रकट हुआ दुष्टद्युम्न। और किसको मारने के लिए? द्रोणाचार्य को मारने के लिए द्रुपद के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ था वो। और कैसे प्रकट हुआ था? तो महाभारत कहता है कि जब वो अग्नि से प्रकट हुआ ना, तो सज दस के प्रकट हुआ था वो, है ना, अपने रथ के साथ प्रकट हुआ था। और जब प्रकट हुआ तो पिता ने उनको कहां भेजा था? द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने के भेजा था। और शिक्षा लेने के भेजा था, और वो सबसे बड़ी भूमिका कौन सी निभा रहा था दुष्टद्युम्न? पांडव का सेनापति था। और दुष्टद्युम्न आखिर तक मरा नहीं था, और आखिर में उसको किसने मारा था? अश्वत्थामा ने। जब अश्वत्थामा ने एक अक्षौणी सेना को एक साथ मार दिया था, उसमें दुष्टद्युम्न और शिखंडी दोनों थे। शिखंडी तभी, शिखंडी भी नहीं मरा था, शिखंडी तब मरा था। आखिर में सबको एक साथ मार दिया था अश्वत्थामा ने, उसमें शिखंडी और दुष्टद्युम्न दोनों था। लेकिन शिखंडी को तो तीर से मारा था, लेकिन दुष्टद्युम्न को तीर से नहीं मारा था। उनको इतना गुस्सा आया था, दुष्टद्युम्न को उसने तीर तलवार सब कुछ छोड़ दिया। और दुष्टद्युम्न पे गुस्सा इसलिए था क्योंकि इसने मेरे पिता को मारा था, तो गर्दन काट दिया था द्रोणाचार्य का। तो इसने गुस्से से तुरंत उनको पकड़ के लात और घूसों के द्वारा मार दिया था, लात और घूसों से मार दिया था। तो दुष्टद्युम्न इस तरह से मरा था आखिर। तो फिर किसका नाम आया है? विराट। जो विराट राजा है, और विराट राजा के तीन पुत्र थे जिसका नाम है श्वेत, शंख और उत्तर। और विराट राजा कौन थे? जब पांडवों को अज्ञातवास एक साल का था, तो अज्ञातवास कहां उसने पूरा किया था? विराट के राज्य, विराट के राज्य में अज्ञातवास पूर्ण किया था। तब ये एक साल तक वहां रहे थे। महाभारत में वर्णन है, भागवत में उसका हित मिलता है कि देखो विराट कितना भाग्यशाली है, विराट कितना भाग्यशाली राजा है कि जिसके राज्य में पांच पांडव जो भगवान के शुद्ध भक्त माने जाते एक साल तक रहे। जिस भगवान, जो भगवान अपनी भक्ता द्रौपदी को अपना नाम दे दिया कृष्ण, वो द्रौपदी एक साल तक वहां रहेगी, कितना भाग्यशाली है ना। तो देखो ये सब शब्द पकड़ने चाहिए, एक साल तक पांडव उनके घर रहे। वहां कहते कि बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है कि पांडव ने उनके घर रहे, क्योंकि भगवान पांडव उनके घर थे, मतलब जहां भक्त होते वहां भगवान होते, बोले इनके प्रकार भगवान वहां होते। तो वहां उसकी सराहना किया कि कितना भाग्यशाली हो विराट। और विराट के तीन पुत्र थे जिसका नाम था श्वेत, शंख और उत्तर। महाभारत में वर्णन के जब युद्ध चालू हुआ ना, युद्ध के पहले दिन इन दोनों भाई श्वेत और शंख ऐसा युद्ध किया था भयानक कि पितामह भीष्म ने भी ना श्वास लेने का मौका नहीं दिया था, इतना जबरदस्त युद्ध किया था। और जब दुर्योधन ने बोला कि पितामह भीष्म क्या कर रहे हो आप, एक छोटे बच्चे आपके सामने, है ना, तो पितामह भीष्म ने शाम होते होते दोनों भाई को मार दिया। पहले दिन दोनों भाई मर गए थे। तो ये उत्तर भी आगे जाके मर जाता है, और विराट को भी कोई मार देता है, सब मर जाते हैं, पूरा उसका फैमिली ही युद्ध में मर जाता है। तो विराट बहुत भाग्यशाली, पांचों पांच पांडव इनके राज्य में रहे थे।
और राज्य की कथा आपको पता, मैं भूला भी था, कीचक को मारा था उसने, बहुत सुंदर सुंदर कथा करेंगे दूसरी बार भी कभी। फिर किसका नाम है? सात्यकी, महायोद्धा। सात्यकी भगवान का मित्र था, साथ में रहने वाला था। और किससे धनुर्धर सीखा था? वो धनुष्यमान अर्जुन से सीखा था। वैसे भगवान से भी सीखा था, अर्जुन से भी वो सीखा था। और इतना बड़ा योद्धा था वो, है ना, कि जब युद्ध करता था ना तो सब लोग अर्जुन को याद करते थे या कृष्ण को याद करते थे, इतना सुंदर युद्ध करते थे। एक बार के बाद युद्ध चल रहा था तो अचानक युधिष्ठिर महाराज को अंदर आकांक्षा हुई कि अर्जुन है वो कहीं मुश्किल में है। अर्जुन तो क्या विशाल सेना समुद्र के समान, कौन कहां युद्ध कर रहा है पता नहीं है, कौन कहां से कहां चला जाएगा, है ना। तो उनको अंदर आकांक्षा हुई कि अर्जुन मुश्किल में है। ये प्रेम था, क्योंकि अर्जुन के साथ कौन था, डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन प्रेम है ना। देखो महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण जो हस्तिनापुर छोड़कर जब द्वारका जाने के लिए रवाना हुए ना, तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने योद्धाओं एक अक्षौणी सेना को भेजा कि जाओ और कृष्ण की रक्षा करो। क्या जरूरत है उनको, है ना, और जिनकी दृष्टि से सृष्टि होती है उनकी रक्षा की क्या जरूरत है। लेकिन ये क्या है, यशोदा कहती थी, है ना, डांटती थी भगवान को, खा ले, है ना, वरना मर जाएगा, दुबला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, डांटती थी माता, है ना। और माता सोचती थी अभी चोरी कर रहा है, बड़ा होगा, बड़ा चोर बनेगा, है ना। मतलब माता यशोदा कृष्ण की ऐसी, जैसे छोटा बच्चे की जैसे माता जैसे रखवाल करती, ऐसे तो प्रेम है। इसे भगवान का प्रेम से प्रसन्न हो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि तू अर्जुन की रक्षा कर, इसको बोला था सात्यकी को, है ना, क्योंकि सात्यकी खाली इतना नहीं बोला था तू उनकी रक्षा करने के लिए जा, लेकिन सात्यकी को युधिष्ठिर महाराज अनेक वाक्य बोले थे, अनेक वाक्य कि तू कितना बड़ा योद्धा है, बहुत प्रशंसा करते महाभारत में पूरा देखे, सात्यकी की बहुत प्रशंसा करते युधिष्ठिर महाराज कि तू बड़ा, इतना बड़ा योद्धा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है तुझे तू अर्जुन की रक्षा के लिए जा। जब अर्जुन की रक्षा के लिए जाता है तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन पूछता है कि कौन आ रहा है, इतना धुआं उड़ रहा है और इतना सुंदर युद्ध कौन कर रहा है, तो भगवान कहते हैं कि सात्यकी आ रहा है, है ना। और जब सात्यकी युद्ध करते करते आ रहा है ना, तो द्रोणाचार्य भीष्म को कहते हैं कि अर्जुन आ रहा है, तो नहीं सात्यकी आ रहा है, क्योंकि सात्यकी जब युद्ध करता था ना सबको किसकी याद आती थी, अर्जुन की। सामान्य योद्धा नहीं थे भक्तों ये, भले 11 अक्षरी सेना कौरव की सेना में थी और 7 अक्षरी सेना पांडव कौन थी सेना, है ना, लेकिन वो पांडव की सेना में जो उत्साह था ना वो उत्साह इसमें नहीं था। क्यों? क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त थे साथ में। इसे तो संजय ने आखिरी श्लोक में क्या बोल दिया भगवद गीता में, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां भगवान श्री कृष्ण है और जहां भगवान श्री कृष्ण के भक्त है तत्र श्री, मतलब लक्ष्मी भी वहां नाचती है, विजय भी वहां ही होता है, कह दिया संजय ने। संजय अपना अनुभव कहता है, धृतराष्ट्र महाराज पूरी भगवत गीता भगवान ने कह दिया, मेरा अनुभव सुनिए, ध्यान से सुनिए अनुभव, और अपने अपने पुत्रों के विजय की आकांक्षा छोड़ दीजिए, क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री और विजय वही, भूल जाइए आपके मेरे पुत्र रहेंगे, एक भी नहीं रहेगा, संजय ने कह दिया। लेकिन धृतराष्ट्र तो धृतराष्ट्र आगे कहे सुनना है, लेकिन साथ में क्या करना है, करना है हमको। खाली सुनना पर्याप्त तो नहीं है, यहाँ सबको कहा जाएगा, है ना, कि मनुष्य देह दुर्लभ है, पता नहीं कब मौत आ जाएगी, और इनाम लेना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए भक्तों के बीच में रहकर, है ना, ये सब करना चाहिए हमको, क्योंकि भगवान ही कहते हैं कि जहां मेरे भक्त कथा कीर्तन कहते वहां मैं उपस्थित रहता, पद्म पुराण महात्म्य में कहते, तो ये बात भगवान की माननी चाहिए कि यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं बड़े बड़े योगी के हृदय में भी रहता हूं, कहां रहता हूं मैं, जहां मेरे भक्त कीर्तन करते मेरे नाम का कीर्तन करते मेरी कथा करते वहीं मैं उपस्थित रहता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। कम से कम भगवान की तो बात माननी चाहिए ना।
भले हमारे घर वालों की बात नहीं मानते, बाहर वालों की बात नहीं, भगवान की तो बात मानो आप। भगवान कहते कि जहां मेरा कीर्तन करता होता वहां मैं हाजिर होता, तो वहां तो आओ आप, इतना तो करो। भगवान की बात क्यों तो करना चाहिए? फिर किसका नाम है? द्रुपद। और द्रुपद को तो आप जानते हो, दुष्ट धूम के और द्रौपदी के पिता थे। लेकिन एक याद रखना, आपको एक बात बता दूं कि जब युद्ध होने वाला था ना, तो द्रुपद ने निरीक्षण किया। द्रुपद ने सोचा कि दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को भगवान ने समझाया और सब लोग समझा, लेकिन समझने का नाम नहीं ले रहे दोनों, इसलिए छोड़ो इनको समझाना। द्रुपद बोले छोड़ो इनको समझाना और एक काम करो, हम कहते हैं लेटर लिखो, ऐसे पत्र लिखो सभी राजाओं को और सभी राजाओं को बोलो कि हमारे पक्ष में आओ, युद्ध करेंगे। ये किसने निर्णय ले लिया था आखिर में? द्रुपद ने। और पत्र लिखा था किसने? द्रुपद ने ही। सब द्रुपद के सब साथियों ने पत्र लिखकर सभी राजाओं को भेजा था कि युद्ध हो रहा है, आप किसके पक्ष में रहोगे। द्रुपद ने किया था, ठीक है। द्रुपद ने शंख बजाया, फिर किसने शंख बजाया? द्रौपदी के पांच पुत्र को। अब ध्यान से सुनिए, द्रौपदी के पांच पुत्र आखिर है, फिर मैं समाप्त करता हूँ। उसमें से द्रौपदी के पांच पुत्र थे और पांच पांडव के द्वारा पांच पुत्र हुए थे। तो पहला है युधिष्ठिर मां। युधिष्ठिर मां से जो भी पुत्र हुआ द्रौपदी का, उसका नाम था प्रतिबिंध। क्या नाम था? प्रतिबिंध्य। प्रतिबिंध्य नाम था उनका। और जब ऐसा व्यक्ति था वो कि युद्ध में उसके सामने मतलब प्रहार कोई करता था तो उसको कोई इतना असर नहीं होता, लेकिन जब वो आखिर में अश्वत्थामा जब मारने आया था पांच भाइयों को, मतलब द्रौपदी के पांच पुत्रों, उसमें से एक प्रतिबिंध्य भी था। और प्रतिबिंध्य को जब मारने आया, प्रतिबिंध्य जग गया था। प्रतिबिंध तुरंत जग के सोते हुए मारा था ना, मतलब सो रहे थे, जग गया था वो। जाकर मारने उनको भी सामने प्रहार करने गया प्रतिबिंध्य, क्योंकि पांडु पुत्र सामने तो था नहीं ना तुरंत। लेकिन अब सो रहे थे तो पता नहीं कहां शस्त्र अस्त्र पड़े हैं, लेकिन कुछ नहीं चला। और अश्वत्थामा ने उनका एक को खाते ना यहाँ तलवार घुसा दी, उसको मार दिया। दूसरा है भीम। भीम का पुत्र का नाम था सुत सौम। सुत सौम को अश्वत्थामा ने छाती पे वार किया तलवार के द्वारा और छाती पूरी चीर दिया था और उसको मार दिया था। और अर्जुन का पुत्र था श्रुतकर्मा, और उनको उनका अश्वत्थामा ने मस्तक काट दिया था। और वैसे नकुल के पुत्र का भी मस्तक काट दिया था अश्वत्थामा ने। और आखिरी सहदेव का पुत्र जिसका नाम था सुतसेन, नकुल के पुत्र का नाम था शतानिक। क्या नाम था? शतानिक। और सहदेव का पुत्र का नाम था सुतसेन। ये पांचों भाई ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। वेदाध्ययन धौम्य ऋषि से किया था, और जो शस्त्र विद्या है ना अर्जुन के सीखे थे पांचों पांच भाई। लेकिन अभी कहते थे एकदम छोटे थे, कोमल वयस्क के थे, और ऐसे व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि सोते हुए व्यक्ति को, पागल व्यक्ति को, जो नशे में है ऐसे व्यक्ति को, स्त्रियों को, ठीक है, बच्चों को नहीं मारना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मारता है तो बहुत बड़ा अपराधी है, उसको बोला गया है शास्त्र में आतताई बोला गया है, ऐसे व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसे व्यक्ति को मार दिया, इसी तो भगवान गुस्से में थे कि इसने सोते हुए बच्चों को मारा है, तो बहुत बड़ा है इसने, इससे उनका नाक बड़ा था। अश्वत्थामा को क्या कहा गया था उसके बाद? विप्रबंधु, द्विजबंधु, मतलब ब्राह्मणों के योग्य नहीं है ये, इसने जो काम किया ना ब्राह्मण योग्य काम नहीं किया, इसको क्या बोला गया है? तो इस तरह से पांच एक श्लोक समाप्त होते। इससे कितने लोगों ने शंख बजाया? इस श्लोक में 15 लोगों ने शंख बजाया, उत्साह के साथ शंख बजाया। और आगे अब क्या होगा आप देखेंगे हम अगले शनिवार को। लेकिन यहाँ से आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भजन कीजिए, हरि नाम स्टार्ट कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, है ना। क्योंकि जब रामायण में वालिका भाई सुग्रीव जब भगवान को प्रार्थना करते हुए, सुग्रीव दो हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे कृपा कीजिए, है ना, कि मैं अब दिन रात आपका भजन करूं,
अब प्रभु कृपा कर भाति सब तजी भजन करो दिन राती। कि प्रभु मुझ पे कृपा करो, ऐसी शक्ति दो मुझे कि दिन रात में क्या करो, भजन करो। ये कौन बोला है? सुग्रीव बोले है ना। तो हमको इन लोगों के पीछे चलना चाहिए, भगवान के भक्तों के, है ना। और देखो आप अगर ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो हम क्या करके टेंशन में रहेंगे, चिंता करेंगे। कथा चालू है सुंदर, वो कथा से थकान चली जाएंगी, जन्म मृत्यु से छुटकर भगवान का धाम भी मिल सकता है। देखिए हमारे अंदर इतना टेंशन भरा है ना संसार का, हम कथा में बैठ कर भी चिंतन किसका चलता है, कल कल क्या होगा, कल क्या खाना बनाएंगे, कल कहीं मुझे बुखार ना आ जाए, मुझे ऐसा हो गया, अनेक प्रकार की चिंता भरी रहती है ना। उस चिंता के कारण हम इस लाभ को गवा देते हैं। तो आप क्या सोचते हो कि बैठे बैठे चिंता करने से आपका दुख दूर हो जाएगा? हो जाएगा? चिंता करने से, क्योंकि मैंने बोला चिंता चिता समायुक्ते, जो चिंता है ना चिता से भी डेंजर है, दिन रात जलाती है आपको, चिता एक बार जलाती है, इससे वो हमारा कर्म समझ के हाँ उसको जो भी है करते रहो, करते रहो, सहन करते रहो। सहन करोगे ना तो आपका कर्म करता रहेगा, सहन नहीं करोगे और उस कर्म पे विपरीत करने का प्रयत्न करोगे ना तो फंस जाओगे, इसलिए उसको सहन करते रहो। आपके नसीब में आया है, भगवान ने क्या बोला, शीतोष्ण सुख दुखदा, अभी दुख है चला जाएगा, क्या आएगा सुख है। जैसे ऋतु आती जाती वैसे सुख दुख आता जाता है, उसमें विचलित मत हो आप, भगवान ने कहा करना क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शास्त्र की बात बहुत सुंदर है, भगवान ने कही अगर हम इसका पालन करने का कोशिश करेंगे ना निश्चित कृपा करेंगे भगवान। लेकिन करना क्या है, महामंत्र चालू कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र जपिया ना, माला नहीं है तो यहाँ से ले जाए, नहीं आता है तो सीख लीजिए माला करना, एक माला दो माला है ना। हम यहाँ कहते हैं कि 16 माला का व्रत करना चाहिए, 16 माला करूंगा करूंगी, क्यों, 2 घंटे होता है, भगवान कितने घंटे दिया, 24 घंटे, 2 घंटे माला दीजिए भगवान की, तो जितने हम श्वास लेते हैं ना, 16 माला करोगे तो श्वास श्वास पे क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। कहते हैं कि श्वास श्वास पे नाम रट, विधा श्वास ना खोए, न जाने इस श्वास का आवर होना हो। तो श्वास अंदर लेते हैं पता नहीं बाहर निकलेगा अगर नहीं, और बाहर निकल रहा है पता नहीं अंदर जाएगा या नहीं, पता नहीं मौत आ जाएगी, इससे पहले क्या ले ले तू, श्वास श्वास से नाम ले ले, 2 घंटे माला करते 16 माला श्वास श्वास से नाम। मैं आपको भले अभी आप 16 माला न करते हो, एक माला से स्टार्ट किया, एक माला दो माला धीरे धीरे जितना भी ठाकुर जी टाइम दे चालू कीजिए, शर्म छोड़ दीजिए ना, शर्म मत रखिए ना, क्योंकि मरने के बाद गति बहुत डेंजर हो जाए, शर्म छोड़ दीजिए, इस संसार की तो शर्म छोड़ ही दीजिए ना। सब लोग देखिए दारू कोई बीड़ी सिगरेट फूंक रहा है, उनको कोई शर्म नहीं है, आपको माला पकड़ने पहुंचा कर तो क्या प्रभु जी शर्म करते हैं, जेब में डाल के आते हैं, जेब में भी नहीं डालते, दारू जेब में डाल आओ तो सही, लेके छोड़ो शर्म, कब तक शर्म रखोगे, दुनिया को शर्म नहीं है अधर्म करने की, आपको धर्म करने में क्या शर्म है भाई, ठीक है। तो माला चालू रखिए, और हर यहाँ बुधवार को शनिवार को दूसरा प्रोग्राम चल रहा है, और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, हम ठाकुर जी की कृपा रही तो अब आते रहिए। हम जो भी उत्सव मनाते हैं, जैसे बलराम जयंती है, जन्माष्टमी है, लोगों को लाइए जोड़िए, उनको भी लाभ दीजिए, और सुंदरता से भगवान का उत्सव मना, जब भगवान का उत्सव मनाओगे ना तो आपके घर में भी क्या होगा, तो हमको भगवान का उत्सव मनाना है। अगली 26 तारीख को हम यहाँ छोटा सा एक मनाएंगे बलराम जयंती का, रात बलराम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे, शाम को 7 बजे से 6:30 बजे से लेकर, ठीक है, 9 बजे तक होगा, उसमें कीर्तन कथा अभिषेक होगा भगवान का, ब्रह्म संहिता गाएंगे है ना, सुंदर बलराम जी के विषय में कथा होगी, डांसिंग कीर्तन होगा, सबके लिए प्रसाद, क्या प्रॉब्लम है इसमें भाई, यही करना है, ठीक है। तो सभी उत्सव में भाग लीजिए, और अपने शरीर से मन से धन से जो भी ठाकुर जी आपको शक्ति दिया उसे आप सेवा दीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।